नमस्कार किसान भाइयों, मेरे चैनल लोधी फार्मिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉन डियर 5310 के बारे में जानेंगे। 5310 में अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे गैप प्रो मॉडल है, परमा क्लच है और पीआर मॉडल है। तो इस वीडियो में हम परमा क्लच के बारे में जानेंगे। जो नॉर्मल ट्रैक्टर में क्लच आता है वो फुल मैकेनिकल क्लच होता है, मतलब वो हम पैडल दबाते हैं तो पूरे लिंकेज के द्वारा ऑपरेट होता है वो क्लच। और इस ट्रैक्टर में जो परमा क्लच आता है ये मैकेनिकल हाइड्रोलिक क्लच होता है। इसमें पैडल और ये रॉड तो रहेगी, इसके रॉड के जहाँ ये रॉड लगी है इसके पीछे एक कंट्रोल वाल्व होता है जिसके द्वारा पूरे क्लच को कंट्रोल किया जाता है। यह क्लच पूरा ऑयल में, हाइड्रोलिक ऑयल में डूबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये गर्म नहीं होता है और इसकी उम्र ज़्यादा होती है। कंपनी इस पर अच्छी वारंटी देती है। इस क्लच की घिसावट नहीं है, इसमें कुछ टूट फूट नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमेशा ऑयल में डूबा हुआ है। इसमें पावर स्टीयरिंग से जो ऑयल वापस आता है उस ऑयल के द्वारा इस क्लच को चलाया जाता है, वो ऑयल इस कंट्रोल वाल्व में जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोलेनाइड स्विच लगा है जो इसके प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। और यदि हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें यहाँ ऊपर साइड एक कंट्रोल सेंसर लगा है, जो क्लच में ऑयल कम होना या कोई ख़राबी आती है तो हमें डैशबोर्ड पर स्टॉप का सिंबल देता है। जब हम स्विच चालू करेंगे तो इस सिंबल हमें दिखता रहेगा और एक बीप की आवाज़ आएगी, और जैसे हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं तो ये सिंबल हट जाता है और बीप की आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। यदि कोई ख़राबी आती है, जैसे ऑयल कम हो गया या कुछ और ख़राबी है क्लच में, तो ये सिंबल आ जाता है स्टॉप का यहाँ पर डैशबोर्ड पर और बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किसी और फीचर्स या ट्रैक्टर के बारे में जानकारी के लिए कमेंट करें।